मेरा नाम प्रवीण धीमान है और मैं साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन नॉर्दर्न रेंज का इंचार्ज हूँ और मैं यहाँ SHO के पद पर कार्यरत हूँ। साइबर क्राइम का जो अपराध है ये दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। इसका एक कारण है कि इंटरनेट यूज़र्स भी ज़्यादा हो रहे हैं और साथ में हर एक व्यक्ति अब इंटरनेट का उपयोग कर रहा है और साथ में ही व्यक्ति ये भी चाहता है कि इंटरनेट के प्रयोग से अब जिस तरह से हर एक व्यक्ति डिजिटल प्लेटफॉर्म का यूज़ कर रहा है तो हर व्यक्ति चाहता है कि उसे हर चीज़ ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पे प्राप्त हो जाए। मैं आपके ध्यान में लाना चाहूँगा कि हमारे साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में अभी लगभग 26 FIR दर्ज है, जिसमें से 3 महीने में लगभग 15 FIR दर्ज हुई, जिसमें से लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा के जो फ्रॉड हुए हैं। इसमें मैं लोगों से आपके माध्यम से ये लोगों से आग्रह करना चाहूँगा कि जब भी वो इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप या और तरह की ऐप यूज़ करते हैं उसमें 2-फैक्टर ऑथेंटिकेशन रखें, साथ में जो पासवर्ड है वो भी वो हार्ड पासवर्ड रखें। और मैं एक बात और आपके ध्यान में लाना चाहूँगा कि किसी भी अननोन लिंक को ना दबाएं। अभी जो हमारे पास जिस तरह के फ्रॉड्स आ रहे हैं उसमें टेलीग्राम ऐप से संबंधित काफ़ी फ्रॉड हैं, जिसमें कि भारी भरकम जो अमाउंट है वो विक्टिम की वो जारी है। तो मैं जो व्यक्ति भी टेलीग्राम ऐप यूज़ करते हैं उनसे मैं आग्रह करना चाहूँगा कि वो जो प्रमोशंस टेलीग्राम ऐप में कई बार इस तरह के ग्रुप्स बनते हैं 6 महीने में दुगना होगा या 7 महीने में दुगना होगा और इस तरह के होटल के रिव्यूज़ या व्हाट्सएप के यूट्यूब के रिव्यूज़ आप देंगे तो उससे वो सावधान रहें और इस तरह के किसी भी झांसे में ना आए। और टेलीग्राम जो ऐप यूज़ करते हैं और वो हमेशा सावधान रहें और अननोन लिंक को ना दबाएं। बिल्कुल इसमें हमारे जो साइबर थाना के पुलिस ऑफिशियल्स हैं ये स्कूलों में जाकर और इंस्टीट्यूट्स में जाकर लोगों को बताते हैं कि किस तरह से वो जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, उनको यूज़ करें और अपना पासवर्ड किसी से भी शेयर ना करें। और जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वो यूज़ करें उसके लिए वो 2-फैक्टर ऑथेंटिकेशन रखें और किसी भी अननोन लिंक को ना दबाएं।